लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक औरत सिर्फ प्रेम कर सकती है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा यह मानना है कि औरत प्रेम भी करती है, नफरत भी करती है, जिससे प्यार करती है उस पर सबको लुटा देती है, जिससे नफरत करती है उसे बर्बाद कर देती है। कोई बाप ऐसा नहीं सोचता कि वो अपने बेटे की लाश को देखेगा, चिता को देखेगा, और वो भी ऐसा लायक और होनहार बेटा। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई। बाबू, ये जो घर है ना, इसके पैर नहीं होते, इसे हमें अपने हाथों से चलाना पड़ता है। बाबू तुम आराम करो, मैं देखती हूँ खाने में क्या बन रहा है। ओके हे भगवान, अजीब है तेरी माया, कभी भूख कभी छाती। मेरे सपनों ने यहाँ रुकने की सारी सूरतें और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, और मैं अपने सपनों को नहीं तोड़ सकती। बहुत दर्द होता है। न्याय द जस्टिस। इस केस की प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होगी। जिन लोगों का ताल्लुक इस केस से नहीं है वो बराए मेहरबानी कोर्टरूम से बाहर जा सकते हैं। मिस्टर विजय सिंह, प्रोसीड। यानर, जब हमारे पूर्वजों ने हमारे समाज की बुनियाद रखी थी तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खूबसूरत वाक्य पत्थर पर नहीं बल्कि गंगा जमुना की लहरों पर लिख दिए थे। नारी, औरत जो होती है वो पूजा के योग्य होती है, प्रेम के योग्य होती है, प्रेममय होती है। इसका मतलब यह है कि नारी जो होती है उसका दर्जा हमारे समाज में बहुत ऊंचा है। मैं अपने पूर्वजों के इस होली सेंटेंस को, इस पवित्र वाक्य को मानता हूं और स्वीकार करता हूं। लेकिन नारी, एक औरत सिर्फ प्रेम कर सकती है, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा यह मानना है कि औरत प्रेम भी करती है, नफरत भी करती है, जिससे प्यार करती है उस पर सबको लुटा देती है, जिससे नफरत करती है उसे बर्बाद कर देती है। योनर, एक औरत किसी से इतना प्यार क्यों करती है और किसी से इतनी नफरत क्यों करती है? आज इसी लव एंड हेट स्टोरी को इस कोर्टरूम में लाया गया है। इसका रहस्य इतना गहरा है कि कई पर्दे उठने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई देगा वो कितना मोहक होगा, कितना घिनौना होगा, ये मेरी समझ से बाहर है। और इस
बड़ी खबर आ रही है, दुखद और चौंकाने वाली खबर है। फिल्म एक्टर महेंद्र सिंह ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। बॉलीवुड एक्टर महेंद्र सिंह की अचानक आश्चर्यजनक मौत से पूरा देश दंग है। सभी को एक बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये हादसा कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, सभी ये जानना चाहते हैं। एक बूढ़ा बाप जिसका कोई सहारा न हो, उसके कंधे पर जवान बेटे की लाश रखती जाए तो वो कंधा झुकता ही नहीं, टूट कर बिखर जाता है। वो अपनी दोनों आंखों में दोनों जहान के सपने लेकर गया था। वहां वो अपने सपनों को सच करने के लिए जागता था। उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो आसमान को छू ले। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यहां तक कि चांद तक पहुंच जाए। मुमकिन है एक कोशिश, सिर्फ एक कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश के बिना कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। अगर आत्मविश्वास हो तो आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी के सफर की शुरुआत तब होती है जब आप अपने डर को अंदर से निकाल देते हैं। जिंदगी के मकसद को आप पा सकते हैं अगर आप खुशियां बांटेंगे। पता है क्या दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी एक गाना है। इसको गाइए, गुनगुनाइए, उसके बाद जो आपके अंदर का प्यार है वो प्यार दूसरों तक तो पहुंच ही जाएगा। कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, और लोग आप पे हंस रहे हैं, तो समझ लीजिए ये जो लक्ष्य है ना वो सही है। भगवान ने आपको पैदा किया है कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, लड़ने के लिए, भागने के लिए नहीं। इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखें, अपने आप को काबू में रखें, फिर देखिएगा मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मैं भी एक सूरज बनना चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये सूरज जब ढलता है ना तो पूरी की पूरी दुनिया सनसेट पॉइंट पे आ जाती है इसी सूरज को निहारने के लिए। उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो आसमान छू ले। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। रोलिंग बंधन एपिसोड 25 एक्शन। पूर्णिमा, पवित्र बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें कभी भी कोई दूरियां नहीं होती, जैसे हमारा बंधन। इस बंधन में कभी भी कोई गुड बाय नहीं होता। हम दोनों तो एक दूसरे के दिल में रहते हैं, तो फिर गुड बाय कैसा, राइट? हाँ शरद, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम कितने ही लोगों से मिलते हैं पर कभी कुछ नहीं होता, और फिर अचानक एक वो सुनहरा दिन आता है। उस दिन हम एक ऐसे इंसान से मिलते हैं, उसके बाद हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसे जैसे शरद तुम मुझे मिले। पूर्णिमा, पूर्णिमा, कभी भी कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। उसको मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो फिर क्यों लोग इम्परफेक्शन में मुकम्मल जहां ढूंढते हैं? पवित्र बंधन वो है जिसमें इम्परफेक्शन में हमें परफेक्शन मिले, जैसे कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो पवित्र बंधन।
चुम लूं होंठ तेरे घर हो इजाजत यारा, चुम लूं होंठ तेरे घर हो इजाजत यारा, तेरे आगोश में गुजरे मेरा जीवन सारा, हमसे हर पल न करो ऐसे शरारत यारा, हमने तो अपना हर एक ख्वाब है तुम पर वारा, हमसे हर पल न करो ऐसे शरारत यारा। बात है महेंद्र, बड़ी सीरियस लग रहे हो, मूड ठीक नहीं है क्या? यू आर राइट, सिट, आई विल टॉक। अनीता, यू नो व्हाट, देखो मेरी पीआर एजेंसी ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं अपना सारा वक्त अब फिल्म स्टार्स के साथ बिताऊं, उनसे रिश्ता बनाऊं, ना कि टीवी स्टार्स के साथ। I hope you understand, right? तो क्या अब हमारा रिश्ता भी नहीं रहेगा? देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, but you know मेरे पास वक्त नहीं रहेगा, I'll be very busy यार। रिश्ता निभाने के वक्त तो देना पड़ता है ना, और अगर तुम वक्त नहीं दे पाओगे तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? देखो try to understand, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, just listen to me. तब please try to understand. I know you very well. Living में तुम्हारे साथ बहुत time बिताया मैंने, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, I know everything. और अब जब मुझे पता ही चल गया कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जाने के लिए तुम्हें कैसे? गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Nisha. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm always fit and fine. Romantic. Sit down. Thank you so much. और बताओ निशा, कैसे आना हुआ? Sir, good news है. महेंद्र को एक बहुत बड़ी फिल्म ऑफर हुई है. Wow, congratulations. Thank you. पार्टी कब दे रही हो? अरे पार्टी की क्या बात है सर, अभी ले लीजिए इसमें. मैं उन लोगों में से नहीं जो सूरज देख के पानी पीते हैं और चांद देख के दारू. सर उन्होंने महेंद्र को साइन करने से पहले एक शर्त रखी है. कैसी शर्त? वो लोग महेंद्र को तभी साइन करेंगे जब महेंद्र उनकी फिल्म पहले रिलीज करेगा, मतलब उनकी फिल्म रिलीज होने तक आपको अपनी फिल्म को रोकना पड़ेगा. मतलब वो पहले महेंद्र को साइन करेंगे, उसके बाद 3 महीने पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद 3 महीने शूटिंग करेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, मतलब ये कि मुझे 8-7 महीने रोकना पड़ेगा मेरी फिल्म के लिए, राइट? सर बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर है, और पता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे आपकी फिल्म को भी फायदा होगा सर. निशा जब मैंने महेंद्र सिंह को साइन किया था तो वो कुछ भी नहीं था, और जो कुछ नहीं होता वो बहुत बड़ा नुकसान होता है. मैंने ये फिल्म नुकसान में बनाई है, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि जब मेरी फिल्म कम्प्लीट हो जाएगी तो महेंद्र एक बड़ी फिल्म साइन करेगा और मेरी फिल्म रुकवा कर अपनी फिल्म रिलीज करवाएगा.
वो लोग उस वक्त कहाँ थे जो आज महेंद्र को साइन करने के लिए उसके पीछे दौड़ना है, जब वो फोटो लेके ऑफिस धक्के खाता था? कहाँ थे तब? प्रोड्यूसर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी फिल्में उसे छोटा बड़ा बनाती हैं। अच्छा, तो सुबह सुबह तुम मेरे लिए नहीं बल्कि महेंद्र के फायदे के लिए वजीफा पढ़ने आई हो। महेंद्र को फायदा उस फिल्म से होगा जो वो साइन करेगा, मेरी फिल्म से नहीं, यही कहना चाहती हो ना? सर, आप ना बहुत जिद पे उतर आए हैं। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है जितना आप इसे बना रहे हैं। कैसे नहीं पड़ेगा? मैंने अपनी फिल्म में करोड़ों रुपए लगाए हैं, ये पैसा मुझे दान दहेज में नहीं मिला है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके इंटरेस्ट पे पैसा लिया है, वो कौन भरेगा? तो मतलब आप महेंद्र से रिश्ता बिगाड़ने के लिए तैयार हैं? आर्टिस्ट किसी का रिश्तेदार नहीं होता, वो फिल्म तभी करता है जब उसे अच्छा पैसा और अच्छा रोल मिलता है। सर, दैट फिल्म इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर महेंद्र'स करियर एंड वी कैन नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट। मैं मना कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। मैं अगले महीने अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, इसके लिए ना मुझे किसी से NOC लेने की जरूरत है और ना किसी के दबाव में डरने की। As a wish, sir, अब मैं भी वही करूंगी जो मेरे आर्टिस्ट के लिए सही होगा। I will talk to my legal advisor now. Sir, सितारे आसमान के लिए बहुत जरूरी होते हैं, याद रखिएगा। मिस निशा, आप भी एक बात याद रखना, आसमान होगा तो सितारे होंगे, भूलना मत। कैसी लगी आपको फिल्म? अरे भैया, क्या एक्टिंग की है आपने और क्या क्रिकेट खेला है, आपको तो ना IPL में होना चाहिए। एंड भैया, आपकी ये मूवी ना सुपर डुपर हिट है सच में। थैंक यू हमारी प्यारी सी बहना। सर, कांग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म क्रिकेट बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा रही है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया और इतना ज्यादा सराहा। और आई गेस पता है क्या, जो ऑडियंस होता है ना वही अल्टीमेट होता है, वही डिसाइड करते हैं कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। इस फिल्म को फॉर्चुनेटली बहुत पसंद किया गया है। अभी अभी मैं अपने बेटे की लाश को चिता के हवाले करके आया हूँ, उसके पार्थिव शरीर को राख होने तक मैं वहीं खड़ा रहा, रोता रहा और क्या करता, मगर मुझे लगता है वो कहीं आस पास है, मेरी आंखें उसको देख नहीं पा रही है। मेरी आंखें उसको देख नहीं पा रही है। मन थोड़ा खुश हो लेता है लेकिन आंखें रोने लगती है। उम्र के इस पड़ाव में मेरे दिल को बहुत बड़ा दर्द मिला है, बहुत बड़ा दर्द मिला है। मैं सबको माफ कर दूंगा, बस कोई मेरे बेटे को लौटा दे, मेरे बेटे को लौटा दे, मेरे बेटे को लौटा दे, मेरे बेटे को लौटा दे। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर। हा महेंद्र सिंह चा पर्सनल स्टाफ आहे, हा अकाउंटंट आणि हा कुक। ये कौन साहब? मैं महेंद्र सर का हाउसकीपर हूँ साहब। जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने तुमको पूछा कि तुमको जानकारी है कि नहीं है? नहीं ना? बेकार मैं अपना मुंह मत खोल, जब तक मैं सवाल ना करूं अपना मुंह बंद रखना, समझा? और अगर जवाब दिया ना तो ऊपर का मुंह तो भूल जाए, तेरा मुंह है ना उसमें पूरा डाल दूंगा, समझे? मेरे को मालूम नहीं सर। एक काम कर राणे। हो सर। या दिगंत स्टेटमेंट गे और मला रिपोर्ट कर। हो सर। या ना सवे ने खाली बसा टू दे। चला सर। सर हां, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। हां सर। सर 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 मैंने महेंद्र को नहीं मारा। तूने नहीं मारा? मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं मारा। अरे सर, मैंने कब बोला तूने महेंद्र को मारा? हां सर, तू इतना पढ़ा लिखा लड़का है, कैसे किसी को मार सकता है ना? लेकिन अफसोस, तेरा बॉस तुझे पहचान नहीं पाया। सर सर सर, सर आपको जो पिज के नहीं साफ साफ कहीं ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ समझ नहीं सर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तू उसका दोस्त है ना? हाँ, तू उसका अकाउंटेंट, हाँ, उसके हर एक पैसे का हिसाब तेरे पास है। तू अभी देख, मैं तेरा अकाउंट क्लोज करवाया ना। सर सर, दीपक तले अंधेरा, ये कहावत तो तूने सुनी होगी ना, उसके जिंदगी में फिर कभी उजाला होगा ही नहीं। साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे क्या कहना चाहते हो? कहना नहीं, सुनना चाहता हूँ, वो भी तेरे मुंह से। चल अब ये बता कि तेरे बॉस को तूने कब, क्यों और कैसे मारा और किसके कहने पे मारा? क्या बोल रहे हो साहब? वो मुझे अच्छे दोस्त मानते थे।
उससे हर बात शेयर करते थे, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है साहब, मां कसम मैंने कुछ नहीं किया। चल एक बात बता, महेंद्र को लास्ट टाइम जिंदा देखने वाला तू ही था ना, और उसकी लाश को भी पहले देखने वाला तू ही, तो हम कैसे मान ले? चल बता, महेंद्र को क्यों मारा बता। साहब आप मुझे बिना वजह परेशान कर रहे हो। आंख दिखाता है, आंख दिखाता है, आंख दिखाता है। इतना बड़ा स्टार जिसके यहाँ तू नौकरी करता था, जिसके टुकड़ों पे पलता था, जिसका पहनता था, जिसका खाता था, उसी को मार दिया। और एक बस कान खोल के सुन ले, अगर तूने सच नहीं बताया और तूने जरा से भी चालाकी दिखाई या तूने झूठ बोला तो तेरे बदन के हर एक हिस्से में ऐसा मसाला भर दूंगा ना कि तू दोबारा कभी ना खाना बनाने के लायक भी नहीं रहेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। अब तो शुरू से शुरू हो जा, अगर मैं शुरू हुआ ना तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा, समझा? मैं बॉस के घर पे खाना बनाता था साहब, और साहब के परमिशन से जो वो बोलते थे वही बनाता था साहब। अरे तुला बोलो ना, इधर खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया। उस दिन तूने साहब को जूस पिलाया ना? हाँ साहब। क्या मिला था उसमें? मैंने कुछ नहीं मिलाया था साहब। क्या मिला था उसमें? था मैंने। उस दिन से तेरा साहब अभी तक उठा नहीं। तेरे को सांप के टेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है ना? अभी मेरे को ये बता, तेरे को किसने कौन सा टेस्ट दिया रे, जो तू तेरे सांप का टेस्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया? साहब मैंने अपने बॉस को नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा साहब। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे माफ कर। सीधा बैठ जाओ दे रे, या तो पर रिमान काटू या मंजे ऐसे अक्कल ठिकाने वर येईल। चल उठ, सर। हाँ अनवर, चावी वाला। जय हिंद सर। ये तो काला पहाड़ लग रहा है। क्यों रे काला पहाड़? तूने जब वो कमरे का ताला खोला तो कमरे के अंदर तुझे क्या नजर आया? जब मैंने दरवाजा खोला सर तो मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आया। तो देख, तूने अगर मुझसे चालाकी की ना तो तेरे ऐसी जगह ताला लगाऊंगा जिसकी चाबी पूरी दुनिया में नहीं होगी, समझा? नहीं सर, अल्लाह पाक की कसम मैंने अपने आंखों से कुछ नहीं देखा और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। एक काम कर, इसका स्टेटमेंट दे और इसको जाने दे, नंतर बगू काय करे। हो सर। देख, झूठ बोलने का नहीं। खरा खरा बोलता है, दूसरी काय झालं होतं? मुझे फोन आया था, उसने बोला मेरे बेडरूम का ताला लॉक हो गया, उसका चाबी ताला खोलना है। मैंने बोला 2000 रुपया मैं लूँगा, उसने बोला ठीक है मैं दे दूँगा 2000 रुपये। उसने बोला जल्दी करो, मैंने बोला जल्दी नहीं, वक्त लगेगा खोलने में, जल्दी नहीं खुल सकता, अगर जल्दी है। मैं बोला ताला तोड़ दूँ, तो उसने बोला तोड़ दो, तो मैंने ताला तोड़ दिया। मुझे नीचे ले जाकर उसने 2000 रुपया दिया और मैं वहाँ से निकल गया। दरवाजा तू कर लेना, क्या देखा अंदर सब कुछ बता। बता। दरवाजे से पहले ही हटा दिया मुझे, मैंने कुछ नहीं देखा। तूने अंदर देखा ना, एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, तूने देखा कि नहीं देखा? सब अंदर के साइड में होगा। ए, बहुत नाटक हो गया रे तेरा। शाम माइला, तुझे चाबी घुसाऊंगा ना, तब सब सब कुछ सच बोलेगा, तू समझा ना? बोल। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो 2000 जो मिले थे वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। पुलिस अंदर रिश्वत दे तो। पुलिस को रिश्वत देने की बात करता है? अरे हेला रिमांड में दे, कसम बोलत नहीं थे वक्त तू। चल बोलो ना। मुझे छोड़। चल गे रे लगे। कुछ नहीं बोले। इन प्रेस वालों से आप की बात मत कीजिएगा, मैं संभाल लूंगा। केशव जी, आपने अपना जवान बेटा खोया है, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश है सर? देखिए ये सब बातें जो है ना, ये जांच का विषय है, इसीलिए हम थाने आए हैं। जी। पहले FIR दर्ज होगा, फिर पुलिस तहकीकात करेगी और उसके बाद जो कुछ भी होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है सर कि इसमें इसकी गर्लफ्रेंड का हाथ है। अरे किस तरह की बातें करते हैं आप लोग, कोई कुछ भी कह देगा आप लोग उसे पकड़ के बैठ जाएंगे। ये किसी लुच्चे लफंगे का केस नहीं है, महेंद्र सिंह जो था ना वो एक सुपरस्टार था, का बेटा था, वो बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
चल चलिए हटिए, हमें अपना काम कर ले दीजिए, आइए। सर एक्सक्यूज मी सर, इंस्पेक्टर साहब। कहिए। हम यहाँ एक केस दर्ज कराने आए हैं, महेंद्र सिंह की हत्या का केस। देखिए केस महाराष्ट्र में ऑलरेडी दर्ज है, वहां जांच चल ही रहा है, तो यहाँ का है। महेंद्र जो था ना का बेटा था, और ये जो साहब बैठे हैं ना केशव सिंह जी, ये शहर के बड़े इज्जतदार नागरिक हैं। हम यहाँ सिर्फ एक केस दर्ज कराने आए हैं, आपसे ज्ञान लेने नहीं आए हैं। वकील साहब, अब हम आपको क्या ज्ञान दें? वकील साहब आज तक को जीता है का जो हम जीतेंगे? आपकी समस्या क्या है ऑफिसर? सर आप महेंद्र सिंह के पिता की कंप्लेंट लिखी है। जी सर। और मैं तुरंत इस पर कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस से बात करूंगा। जी सर। थैंक यू। इसी उम्मीद से यहाँ पर आए हैं साहब। केशव जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इंसाफ आपका हक है और वो आपको मिलकर रहेगा। मेरा बेटा बहुत बहादुर था, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी था। वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता? उसके अकाउंट में बहुत पैसे, करीब 18 करोड़ रुपए, उनका भी पता नहीं। मुझे विश्वास है ये मामला हत्या का है, आत्महत्या का नहीं। आपको किसी पर शक? शक नहीं, मुझे पूरा विश्वास है ये सब उस उर्वशी का किया धरा। वो ग्रहण बन के आई थी मेरे बेटे की जिंदगी में और उसको खा गई। वो हमको अपने बेटे से बात नहीं करने देते। मेरे बेटे को कैद कर लिया था उसने साहब, पुराने स्टाफ को भगा दिया था, यहाँ तक कि मेरी बेटियों को भी मिलने नहीं दिया, मेरी बेटियों को भी अलग कर दिया मेरे बेटे से। हम यही रिपोर्ट करवाने आए हैं साहब। आप इनकी FIR लिखिए। जी सर। और इसकी एक कॉपी मेरे टेबल पर भेजिए। आज से ये केस मेरी पहली प्राथमिकता हो। थैंक यू साहब। मैं कमिन सर। हाँ कमिन। उर्वशी। यस सर। साक्षात अप्सरा का नाम, वैसे दिखने में भी खूबसूरत हो तुम, लेकिन क्या मैडम के आपकी खूबसूरती देखने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया। जब मुझे और मेरी फैमिली को टाइम मिल जाएगा तब तुम्हारी फिल्म मैं थिएटर में जाके देखूंगा। फिलहाल मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस सवालों के आप सही जवाब दें और अपने ही घर चले जाए। ओके सर। तो आप दोनों के बीच ऐसा कौन सा भूकंप आ गया जो तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? सर महेंद्र मेंटली और फिजिकली बीमार हो चुका था और मुझे ये महसूस होने लगा था कि शायद जिंदगी भर वो मेरा साथ नहीं दे सकता। उसके दिमाग की उथल पुथल मुझे डराने लगी थी और वो पहले खुद से जितनी मोहब्बत करता था फिर उतनी नफरत करने लगा था। और ऐसे हालात में उसको सहारा देने की बजाय आपने उसे छोड़ दिया। खैर मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा आदमी मरने जा रहा है या मर जाता है तो उसे कंधा देने के लिए लोग हिचकिचाते हैं। आपने भी बिल्कुल वैसे ही किया। क्यों सर? और मैं क्या करती सर? एक इंसान जो अपनी दर्द और बेचैनी की हद पार कर चुका था, जो मेडिकल साइंस से स्ट्रगल कर रहा था, और एक लड़की जो ऑफिशियली उसकी पत्नी भी नहीं थी, किस तरह लड़ती, किस तरह लोगों को उसकी हेल्प के लिए जगाती। सर महेंद्र अपनी हेल्थ को लेकर मजबूर था और मैं अपने रिश्ते को लेकर। और जब महेंद्र तुम्हें पसंद नहीं था तो उसके साथ बंदी क्यों रही? किसी और से शादी क्यों नहीं की? या फिर तुम्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि महेंद्र जैसा दौलतमंद आदमी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा? क्यों सर? जो हो चुका वो हो चुका, अब मैं क्या करूं? देखिए मैडम, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा इज्जत मैं अपनी ड्यूटी की करता हूँ। तो आपसे बदतमीजी से पेश आने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिएगा। केवल इतना बता दीजिए कि महेंद्र ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। महेंद्र को मैंने नहीं मारा सर, महेंद्र ने खुद को खुद मारा है, खुद। आप जाओ दे दिलान, मैं फुर्सतित बोल रहा हूँ, आप जा सकती है। Thank you.
महेंद्र की हत्या की पटकथा। दुख, मेरा दर्द, किसी प्रमोशन के लिए नहीं है, बल्कि मैं इस कानून का मुहाफिज होने के नाते उस बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहता हूं जी, जिसकी सपना देखने वाली आंखों को इन कानून के दरिंदों ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैं इस केस के अंतिम निर्णय तक इस केस को लड़ूंगा, भले इस केस के लिए मुझे अपना पद क्यों न गंवाना पड़े। कमिश्नर साहब, मैं एफआईआर का इंतजार कर रहा हूं। लूट, धोखा, बलात्कार, हत्या, फिरौती, रंजिशें, ये सारी प्रैक्टिसें जो थी ये जंगलों में हुआ करती थी, लेकिन अब इंसानों की बस्ती में आ चुके हैं। अगर इसे रोका नहीं गया ना, फिर यह फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि इंसान किस हिस्से में रहता है और जानवर किस हिस्से में रहता है। चलिए मैं चलता हूं। कमिश्नर साहब, आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Good luck and God bless. Thank you so much. महेंद्र के पिता हमारे ही प्रदेश के हैं। अब बीमार और बूढ़े होने के कारण उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुंबई जाकर वो इस केस को लड़ें। इसलिए वो मेरे पास आए थे, मैंने उनकी एफआईआर लिखी क्योंकि वो मेरी ड्यूटी थी। सर, मुंबई के एफआईआर आपने कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कई बार हुआ है कि केस कहीं और हुआ और एफआईआर कहीं और लिखी गई। मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि मेरे ऑफिसर्स के साथ कॉपरेशन नहीं हुआ। महेंद्र के पिता, महेंद्र के परिवार के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें ये पूरा पूरा हक है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा, किसने लूटा। उन्होंने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मैसेज किया था और ये कहा था कि उनके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं महेंद्र के पिता के साथ हूं और मैं उनके लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा। देखिए, मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं कि अपना ये एजेंडा यहां मत चलाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं जो मर्जी बोलोगे। देखो, सबूत और गवाह ये तय करेंगे कि महेंद्र का कत्ल हुआ है या उसने खुदकुशी की। सर, आज 40 दिन हो गए हैं महेंद्र सिंह की हत्या को, ना कोई एफआईआर, ना कोई गिरफ्तारी। सर, सारा देश जानना चाहता है कि उनकी रक्षा करने वाले कुछ कर रहे हैं या किसी और की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। देखो, हम किसी के बॉडीगार्ड नहीं है, समझे? हम कानून के रखवाले। हाँ, अगर कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम भी उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। और आपको अच्छा लगने के लिए किसी बेकसूर को हम बिना वजह अरेस्ट करें क्यों? मौका वारदात पे हमारे लोग पहुंचे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पहुंची, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। वहां पे जो मौजूद थे 10-15 लोग, उन सब के सारे बयान लिए गए और फ्लैट उनके हवाले कर दिया गया। अब तहकीकात चल रही है,
अब उसकी माली हालत के बारे में सारे गैजेट्स चेक किए जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल हुआ, बैंक अकाउंट हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सब चेक हो रहा है। लेकिन सर, सच कब तक सामने आ जाएगा? देखिए सर, ये जो गुनहगार होते हैं ना, ये अपना आई कार्ड लेके नहीं घूमते हैं जी, हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है विद सबूत एंड गवाह के साथ, समझे जी। तो सर आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह की हत्या है या आत्महत्या? देखिए बार बार वो प्रश्न मुझसे मत पूछिए, एक बार मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, आप लोग ध्यान से सुना करो, समझी? महेंद्र सिंह की मौत ने युवाओं के माँ बाप को चिंता में डाल दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र सिंह के पिताजी केशव सिंह जी, हमारे साथ हमारे चैनल पर। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने कभी सोचा था कि महेंद्र सिंह इस तरीके से कदम उठा सकता है? देखिए, कोई बाप ऐसा नहीं सोचता कि वो अपने बेटे की लाश को देखेगा, चिता को देखेगा, और वो भी ऐसा लायक और होनहार बेटा। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कोई अनहोनी हुई। सर, आपने उर्वशी के खिलाफ पटना में FIR किया, मुंबई में भी आप थे, मुंबई में क्यों नहीं किया, बताइए सर। रही बात उर्वशी की, वो तो पिछले एक साल से महेंद्र के साथ रह रही थी, उस घटना से पहले उसको छोड़ के क्यों चली गई, उसने महेंद्र को समझाया क्यों नहीं, और हमारे बेटे के अकाउंट से बहुत पैसे इधर उधर हुए हैं, उसकी भी हमको जांच करनी है। हमको मुंबई पुलिस से बहुत भरोसा है, लेकिन हमने पटना में रिपोर्ट लिखवाई है। महेंद्र के साथ इंसाफ हो, ये सिर्फ हम घरवाले नहीं पूरा देश चाहता है। महेंद्र सिंह के केस के बारे में स्टेटमेंट लेने के लिए जब हम उनके रिलेटिव के पास गए तो उन्होंने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। हमने उनसे ये भी पूछा कि उनका किसी पे शक है, तो इस बात का अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में हमारे ऑफिसर ने उनको कई बार फोन किए, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड ही नहीं किए। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच सर। तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल क्या चल रहा है इस देश में, जिसका TRP मीडिया बटोर रही है, और पार्टी पॉलिटिक्स के लोग भी अपना वोट बैंक सुधारने में लगे हैं। हमें सब पता है सर, महेंद्र सिंह और उर्वशी, मीडिया का अटेंशन आजकल उन्हीं के साथ है। और आज से तुम्हारा अटेंशन भी उन लोगों के साथ होगा। गृह मंत्रालय ने CBI जांच के निर्देश दिए और ये केस आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। प्लीज टेक इट। आई एम थैंकफुल टू यू सर, पर हम भी कल को इस बात का कोई मुद्दा बना तो इससे क्या होगा? वैसे भी अनुमोदन में सबसे पहले सरकार का ही नाम सामने आ रहा है। और वैसे दुर्गा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस केस की सच्चाई के बारे में? ये आप कह रहे हैं, हम कहते नहीं पर करते हैं, सच और झूठ को अलग। वैसे तो हमें यही लग रहा है कि यहाँ हर कोई सच ही बोल रहा है, इसलिए आज हम अपनी टीम को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। वेरी गुड, तुम लोग मुंबई पहुंचकर मुझे रिपोर्ट करो जी। वहां तुम्हें प्रॉब्लम होगी? हमें कभी भी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर, पर हाँ, जहाँ हम जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम जरूर होती है। सर सर सर, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि महेंद्र सिंह के केस को CBI के हाथ में दिया जाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें तो बेहद खुशी हो रही है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इससे पहले कह दिया होता तो माननीय न्यायालय का ये फैसला क्या पुलिस की नाकामयाबी माना जाएगा? क्योंकि हमने जो तहकीकात की वो पूरी मेहनत के साथ की, इसमें नाकामी का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों सर, पुलिस का अब अगला कदम क्या होगा? क्या है, अब सुप्रीम कोर्ट से जो कॉपी आएगी उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में तय करेंगे। क्यों? जैसी आपकी इच्छा। What nonsense is speaking man? क्या बोला सर? जैसी आपकी इच्छा। मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट जब खत भेजेगा ना तो उसको हम पढ़ेंगे, बाद में तय करेंगे, समझे जी सर। ये मेरी इच्छा, जाइए। थैंक यू सर। ओके, जाइए ना। इच्छा क्या होती है यार, नॉनसेंस। मुंबई पुलिस, पुलिस यस। फाइल्स बताती है कि ये केस एक स्टेट की नजर में बड़ा और दूसरी की नजर में छोटा। खैर छोड़ो,
जाओ जाकर उर्वशी और उसके भाई अजय को लेकर आओ। यस मैम। गो ऑफिसर्स। ओके। जी कहिए। उर्वशी घर पे है? जी कहिए। आई एम सीबीआई ऑफिसर मिस्टर रंधावा। क्या बात है? हम आपके बच्चों को ले जाने आए। लेकिन क्यों? इंटरोगेशन करने के लिए मैम। लेकिन हमारे बच्चों ने जुर्म नहीं किया है। वो हम डिसाइड करेंगे। बट दे आर इनोसेंट। आप लोग बैठिए। नहीं, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए। हम लोग ठीक हैं। बुलाइए अपने बच्चों को। उर्वशी। हाँ पापा। क्या हुआ पापा? और ये लोग कौन हैं? सीबीआई से आए। ले चलो इनको। चलो मैडम आप ऐसे ही चलो। चलो चलो सब 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 चलो। चलो चलो मेरा नहीं गलो। आप जल्दी से वकील को फोन लगाइए ना। हेलो। हाँ वकील साहब। महेंद्र की मौत आत्महत्या या हत्या? मैं नहीं जानती। मैं महेंद्र और उसका घर छोड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा हम लोग ज्यादा दूर साथ नहीं चल सकते। तुम्हें ऐसा कब लगा? जब हम साथ रहने लगे। तुम उसके साथ दूर क्यों चलना चाहती थी? क्योंकि मैं उसे दोस्त मानने लगी थी। दोस्त या उसे आगे भी? हाँ मैं उसे पसंद भी करने लगी थी। पसंद या प्यार? हो सकता था प्यार। हो सकता था या हो चुका था? और अगर हो चुका था तो तुम्हारा प्यार कैसा था? मीरा जैसा या राधा जैसा? मैं नहीं जानती कि राधा और मीरा का प्यार कैसा था। मीरा कृष्ण के साथ कभी रहने नहीं गई थी। तुम महेंद्र के साथ उसके घर में रहती थी। एक लड़की से प्यार करती थी। उसके साथ रहने लगती है, सोती है, जागती है, खाती है, पीती है उसी के साथ। इमोशनली भी और फिजिकली भी इन्वॉल्व हो चुकी होती है। जब सब कुछ हो चुका था और सब कुछ जानना भी हो गया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ जाने के बाद जानकर महेंद्र को छोड़ने का फैसला लिया तुमने? क्या महेंद्र फिजिकली, इमोशनली या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था जैसा तुमने चाहा था, सोचा था? या बस कुछ दिनों तक तुम उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, गुजारना चाहती थी? गुजार दिया और फिर छोड़ दिया? मैम मैं महेंद्र को छोड़ने वाली पहली लड़की नहीं हूँ। 1 2 1 2 3 4 3 4 Very good. Okay. फिर इसके बाद में? Listen now, I'll just come in a minute. हाँ? ठीक है, okay. Hi. Come on, guys. 1 2 How are you? Good, good. Better. Sure. So, everything is okay with you? हाँ यार, घर पे थोड़ा बोर हो रही थी, सोचा तुझसे मिल लूं, मूड ठीक हो जाएगा। तू पागल है क्या? तेरी पिक्चर रिलीज हुई, फ्लॉप हुई, अब भूल जाओ उसे। और वैसे भी जरूरी नहीं है हर एक एक्टर की सारी पिक्चर्स हिट हो। अब आगे के काम पे फोकस कर। पिक्चर तो हिट हुई नहीं, आगे काम देगा कौन? तुम्हारा काम अच्छा था, डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हें काम मिलेगा। एंड वैसे भी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। And like that, two. महेंद्र से मिलाऊं तुझे? हाँ श्योर। महेंद्र। या सर। या ओके ओके। थैंक यू। ओके देन 8। शी इज माय वेरी डियर फ्रेंड उर्वशी। हाय। हेलो। सो उर्वशी, व्हाट डू यू डू? I'll come. Yeah. You guys sure. continue. Come on, guys. Yeah. Again. Okay. Ready. 5, 6, 7, 8. क्या करते हो? अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है।
इमरती ओ या या आई हैव सीन दैट ट्रेलर यू वर गुड इन दैट यू वर गुड बाय द वे आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स थैंक यू मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हुई हैं इनफैक्ट कंटीन्यूअसली फॉलो करती हूं आपको रियली यस माय प्लेजर्स एनीवेज आगे का क्या प्लान है जस्ट वेटिंग टू डू अ मूवी विद यू हाय एंड ही इज माय लव यू नो वो कहते हैं ना लव इज अ फीलिंग यू फील एंड व्हेन यू फील You're about to feel a feeling that you've never felt before. Paas aa jaao ke tanhaiyon ko mehka de khud behke jaaye ishq ko bhi zara mehka de पास आ जाओ के तन्हाइयों को महका दे खुद बहक जाए इश्क को भी जरा महका दे बज उठा है तेरे छूने से दिल में एक तारा ना करो ऐसे शरारत यारा महेंद्र हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है एंड यू नो माय मॉम राइट शी वांट्स मी टू बिकम अ सुपरस्टार और उसके बाद वो चाहती है कि मैं किसी टॉप सेलिब्रिटी के साथ शादी करूं ताकि उसके बाद वो डैडी को कह सके कि देखो मैंने सना को कहां से कहां पहुंचा दिया You know, she wants to prove the world that she's the best. She's an awesome lady. और वो तभी हो सकता है जब मैं कामयाब होंगी I know. I totally understand, Sana. I completely understand. Your mom is not wrong. वो अपनी जगह सही है उन्होंने जो तुम्हारे लिए सोचा है वो सही होगा आगे And she knows that. एक मेरा सपना तुम और एक मेरी माँ का सपना कुछ दिनों से इसी कश्मकश में मैं बहुत उलझ गई थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं बस महेंद्र मैंने भी तय कर लिया है कि मैं अपनी माँ का सपना नहीं तोड़ सकती जिसने मुझे जन्म दिया शायद मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी मैं चलती हूँ सना सना आपके बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले जैसे सूखे फूल किताबों में मिले ये दिल बेचारा प्यार कमा रहा एक लड़के ग्लैमर की चकाचौंध से आकर्षित होकर स्टारडम के रास्ते पर चल पड़ती है वो समझती है कि अगर वो स्टार बन जाएगी तो उसे दुनिया में सब कुछ हासिल हो जाएगा वो समझती है कि ये स्टारडम
स्टारडम नहीं है, एक किंगडम है। देखो नहीं जानती कि एक किंगडम किंगडम नहीं है, एक जादुई दुनिया है ऑनर, एक ड्रीम वर्ल्ड है जहां पर जाया तो जा सकता है लेकिन लौटना बहुत मुश्किल है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मिस उर्वशी जो इस कहानी की क्वीन है, जो समझती है कि वो इस किंगडम की क्वीन है, ये जो कहानी है ना, ये उन्हीं की कहानी है सर। इसमें सच और झूठ के दोनों पहलू हैं ये ऑनर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं मिस उर्वशी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ग्रांटेड, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। उर्वशी, बड़ा खूबसूरत नाम है लेकिन आपने जो हरकत की है तो बड़ी बदसूरत और घिनौनी है। देश के आवाम के दिलों से आप निकल गई। पूरा देश यही चाहता है कि आपको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आप जैसी भोली भाली शक्ल की लड़कियां ऐसी कोई हिम्मत ना करें। सैड बट ट्रू। और मैंने ऐसा क्या किया है कि लोग आपसे ये कहते हैं कि मुझे सख्त से सख्त सजा हो? हाय, क्या हुआ? Why are you so sad? बहुत अकेला हो गया हूँ यार। पागल हो क्या? तुम जैसे डैशिंग, काबिल, समझदार, कामयाब इंसान को छोड़कर जाने वाला अकेला पड़ गया है। तुम नहीं। चिल करो बेबी। I'm always there for you. I've always liked you, followed you. You've always been in my heart. But my bad luck. I never got a chance to get close to you. Really? Okay then. That's a good news, Al. I guess I'll change your luck now then. Wait a second. You'll accompany with this, okay? Sure. Your luck is getting changed, baby. This much is fine, right? Yeah, it's okay. Cool. With water? With water. Of course. Superb. Let's cheers for us then. Okay. Right? Mr. Singh, please proceed. Thank you, Your Honor. This nexus, this friendship, this contract, yeah, you kahiye, is samjhote mein kya kya hota hai? या बखूबी समझ सकते हैं। फाइनेंशियल गेन, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल गेन्स एवरीवेयर। ये महेंद्र सिंह के साथ वर्ल्ड टूर पे भी गई थी, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स भी इंजॉय किए थे इन्होंने। फिर एक दिन इन्हें मालूम पड़ता है कि जिस साजन के आंगन में ये भरतनाट्यम कर रही है ना, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं, जिस तरह जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे उस जहाज को छोड़कर चले जाते हैं, इसी तरह जहाज को छोड़कर चली गई, महेंद्र सिंह को छोड़कर चली गई, ताकि जब जहाज डूबे तो इनके माथे पर गुनाह की कोई कलंक ना लगे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये पैरा दर पैरा जो मेरे क्लाइंट के बारे में सीधे पड़ी जा रही है, दरअसल ये सारी की सारी मिस्टर सिंह ने अपने जहन की फैक्ट्री में पैदा किया और हमारी इस अदालत के लिए पैकेज किया है। ये साफ साफ कह रहे हैं कि उर्वशी ने महेंद्र का खून किया। मिस्टर वानखेड़े, अदालत ये जानना चाहती है कि आपकी क्लाइंट मिस उर्वशी महेंद्र सिंह के घर रहने गई थी या नहीं, ये बात सच है या झूठ? सच योर ऑनर। तो आपको क्या इतराज है? मिस्टर वानखेड़े, आप इतने सीनियर लॉयर हैं, या आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सजा जो है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के आधार पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों की बुनियाद पर दी जाती है, और अगर कोई ठोस सबूत लाने की कोशिश कर रहा है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। योर ऑनर, इफ आई मे प्लीज, अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ
अपना जीवन गुजारना चाहती है और उसे ये पता चलता है कि जिसके साथ वो जीवन गुजारने जा रही है उस लड़के की जिंदगी ही खतरे में है, तो उसे क्या करना चाहिए? उस बीमार को लाद कर अपनी जिंदगी बितानी चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस उर्वशी महेंद्र की पत्नी नहीं थी कि उसे ये बोझ अपने सर पर रखकर जीना पड़े। एक बूढ़े बाप के लिए उसके जवान बेटे से प्यारा और कौन हो सकता है? आपके बेटे के साथ आपके संबंध कैसे थे? वैसे ही जैसे एक अच्छे बाप बेटे का होता है। जब भी आप उसे फोन करते थे वो आपका फोन अवॉइड क्यों करता था? वो नहीं करता था, उसके आसपास के लोग करते थे। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे बेटे से दूर रखना चाहते थे। मेरा बेटा मुझे और अपनी बहनों को बहुत प्यार करता था। जब भी वो आता था तो हम सबसे मिलके बहुत खुश होता था। क्या महेंद्र की किसी के साथ दुश्मनी थी? कई थे। एक का तो नाम बता सकते हैं? देखिए, कई एक्टर दुश्मन थे जिनको लगता था कि यह महेंद्र उनकी जगह ले लेगा। और वो कौन लोग थे ये आप उर्वशी से पूछ लीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने महेंद्र को स्लो पॉइजन देने के लिए उसको भेजा था। तुम्हारे घर का इंटीरियर तो काफी खूबसूरत है। थैंक यू, शौक है मुझे खूबसूरती को देखने का। सिर्फ देखना या उसे फील भी करना? मतलब? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जब से तुमसे मिलने लगी हूँ मैंने कभी तुम्हें उसे निहारते हुए नहीं देखा। जब भी देखा है बाहर धरती या आकाश को निहारते रहते हो, कभी थ्रू आईज, कभी थ्रू टेलीस्कोप। You're right. I'll tell you why. क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में जितनी भी खूबसूरती है ना वो अभी भी मेरे घर में नहीं है। कुछ खूबसूरती बाहर है दुनिया में जिसको बाहर ही देखना पड़ता है। सिर्फ देखना, उस खूबसूरती से कुछ कहने और सुनने का मन नहीं करता। समझा? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम सिंगल हो। हाँ, ऑफिशियली तो सिंगल ही हूँ मतलब। और वो कौन है जिसने तुम्हें मुझसे मिलवाया? हाँ, फोबिया के लिए। उसे अपने आसपास देखने का मन नहीं करता? मन तो चांद को भी आसपास देखने का करता है। लेकिन ना ही उसने आज तक मेरी ख्वाहिश पूछी और ना ही मैंने उसकी मर्जी। Cheers. Sir, congratulations. आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हूँ ये फिल्म रिलीज हो गई है। और यही कहना चाहूंगा, ये जो लफंगे है, ये जो फिल्म टाइटल है उसे जज ना की जाए, पूरी की पूरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है और ये जो फिल्म है वो बहुत अच्छा मैसेज देती है। ये बताती है कि कोई भी काम अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव नहीं करेंगे तो उसको हार नहीं बोलते। और ये फिल्म हर एक जनरेशन इस फिल्म को जाके एंजॉय कर सकती है, फैमिली के साथ देख सकती है। बताया जाएगा इस फिल्म में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जैसे कि एक छोटा सा बेबी होता है, बर्थ लेता है और उसको भी एक डेढ़ साल लग जाता है अपने आप को समझने में, जानने में कि क्या दुनिया है, उठने में। तो वैसे ही कामयाबी और नाकामयाबी रहती है और कामयाबी तभी मिलती है जब इंसान नाकामयाब होता है। नाकामयाबी आई गेस इज अ डोर टू सक्सेस। ऐसे ही कुछ फिल्में बताए गए हैं, जब देखेंगे तो समझ में आएगा, मजा आएगा आपको। सर, जो आपके ऑडियंस हैं या फैंस हैं जी, अगर उनकी बात करें तो आप फिल्म गोअर्स को और अपने क्रिटिक्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स की हैं और पहले जो फिल्में कर चुका हूँ वो भी फैमिली ओरिएंटेड थी और ये भी फैमिली ओरिएंटेड है, तो कोशिश यही करता हूँ कि फैमिली वाली फिल्म करूँ। इसके अलावा यस, आई फोकस ऑन एंटरटेनमेंट फैक्टर भी, कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिले एंड प्रोड्यूसर्स को नुकसान ना हो, कमर्शियल लेवल पे भी फिल्म सक्सेसफुल हो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सो मच थैंकफुल कि आप लोग मेरी फिल्म की सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने, यानी कि लफंगे की सक्सेस पार्टी का हिस्सा बने। गाइस, प्रेजेंटली आई एम वेरी हैप्पी, सीरियसली दिस मोमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस फॉर मी और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। सो चीयर्स फॉर यू गाइस। आज के दिन मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ क्योंकि लफंगे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने और फिल्म वालों ने इसको फ्लॉप करार कर दिया था, बट एक्चुअल में
जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, उसने इसको हिट बनाया यार। बाबू ये दुनिया कैसी है? दुनिया कैसी है? नो
क्यों? मैं ज्योग्राफी और एरिया वाइज नहीं पूछ रही हूँ. तो पता है क्या, ये दुनिया अभी तक मैंने पूरी नहीं देखी ना, कैसे बताऊं. पर हाँ एक चीज बताता हूँ, ये जो दुनिया है ना, इसमें तुम हो, मैं हूँ, हम दोनों हैं, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है सच में. पर अगर हम दोनों नहीं होते तो? नहीं होते तो फिर यार ये दुनिया की हमें जरूरत ही क्यों होती? पता? दुनिया में कोई सी भी चीज है ना, तो वो किसी दूसरे के लिए ही बनी है, किसी वजह से. तमनी जैसे वी आर मेड फॉर ईच अदर, राइट? एग्जैक्टली, यू आर सो स्मार्ट नो बेबी. बाबू यू नो व्हाट, मैं ना तुम्हारा हाथ पकड़ के पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ. Really? Yes. Will you take me to see the world with you? That means our next destination would be Europe. Right? Can you light this up? Yeah. मैं अपने कंधे पे अपने बेटे की लाश लिए हूँ. मेरे बेटे के हत्यारों को सजा दिलाकर आप मेरा ये बोझ हल्का कीजिए, प्लीज. आपके नासों को हम जाया नहीं जाने देंगे. आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. अब हम सब यहाँ आ गए हैं सुनामी बनकर. अब गुनहगारों की तबाही होगी, आप इत्मीनान रखिए. और ये बात आप हम पर छोड़ दीजिए. थैंक यू मैडम, थैंक यू. माही, 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 तुम्हें अकेलापन अच्छा लगता है क्या? वैसे तो मैं कभी अकेला रहा नहीं, पर अभी अकेला हूँ फिलहाल. और अगर कोई साथ रहना चाहे तो? मतलब? I mean a live-in relationship. तुम्हें live-in relationship के pros and cons पता है ना? हाँ मुझे पता है. Partners बिना किसी जिम्मेदारी के एक साथ रह सकते हैं और कोई उन्हें कानूनन शादी करने के लिए मजबूर भी नहीं करता. तुम्हें पता है live-in relationships में physical relationships भी होते हैं, वो भी without protection and with protection भी. ये तो relation में without living में आए हुए भी हो सकता है. Oh. This is what I want at this time. I'm getting it. Where are you going? Right. जी क्या मैं जान सकता हूँ कि ये खूबसूरत लड़की जो एक बहुत बड़ी हीरोइन बनने वाली है, उसकी खुशी का राज क्या है? मुझे एक बड़े स्टार से प्यार हो गया है. आई बेग योर पार्डन. उसने मुझे अपने हार्ट और अपने होम दोनों में जगह दी है. इनफैक्ट मैं उसके साथ रहने भी लगी हूँ. कल रात मैं वही रह के आई हूँ. ओह रियली? क्या मैं जान सकता हूँ उस जादूगर का नाम क्या है जिसने तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं दिया? बोलो. महेंद्र सिंह. महेंद्र मरा या मारा गया? तुम्हारे जाने के बाद ही ये हुआ, इसलिए इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा. महेंद्र की हत्या हुई है या आत्महत्या करने के लिए तुमने उसे मजबूर किया? मैम मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि महेंद्र की हत्या या आत्महत्या से मेरा कोई संबंध नहीं है. मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि महेंद्र की मौत कैसे हुई. ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सब जानती हो. मैं नहीं जानती आत्महत्या करते वक्त महेंद्र को कितनी तकलीफ हुई, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे सवाल जवाब के दौरान
आत्महत्या से भी ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। ये तो सिर्फ ग्लास का पानी था। अगर मेरे सवालों का सही जवाब तुम नहीं दोगी तो सुनामी आ जाएगी। मिस्टर सिंह, प्लीज प्रोसीड। यानर, मिस उरुषि महेंद्र के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी, एंड दिस बॉन्ड ऑल्सो इज एज स्ट्रॉन्ग एज हस्बैंड एंड वाइफ। हालांकि इन्होंने इस रिश्ते को कोई खास मान्यता नहीं दी, और उसकी एक वजह है महेंद्र की करोड़ों रुपए की दौलत, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में था। और जब महेंद्र ने उसके पैसे वापस मांगे तो आप वो पैसे नहीं देना चाहती थी, इसे आपने कह दिया कि वो एक दिमागी मरीज है, ताकि आप वो पैसे देने से बच जाएं। What? It's ridiculous. मैंने बाबू से कोई पैसे नहीं लिए। मैं उनके पास उनके पैसे लूटने या किसी बड़ी फिल्म में हीरोइन बनकर उनके साथ जोड़ी बनाने नहीं गई थी। मुझे वो अच्छे लगे, मुझे लगा मेरी जिंदगी में ऐसा कोई होना चाहिए, तो बस मैं चली गई। प्लीज प्लीज प्लीज, आप रोइए मत। कोर्ट डज नॉट कंसिडर टीयर्स एज द ट्रूथ। एक बात बताइए, जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी हर चीज से प्यार करता है। उससे प्यार करता है, उसके घर से प्यार करता है, उसके कुत्ते बिल्ली से प्यार करता है, उसके परिवार से प्यार करता है। लेकिन आपने तो महेंद्र के परिवार को उसके नजदीक फटकने भी नहीं दिया। उसके पिताजी, उसकी बहनें जब फोन करती थी तो आप उसे फोन भी नहीं उठाने देते थे। मैं ये भी जानता हूँ कि महेंद्र को अपने चंबल में रखने के लिए आपने अपनी इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों से मशवरा भी लिया। क्या ये सब झूठ है? सब झूठ है। क्या यह झूठ है कि महेंद्र के जहन में चरस, गांजा और अफीम का धुआं तुम भरती थी? क्या यह झूठ है कि महेंद्र को कौन सी मेडिसिन, कौन सा ड्रग कब देना है इसका फैसला तुम करती थी? क्या यह झूठ है कि महेंद्र की बीमारी को लेकर तुम कभी भी सीरियस नहीं थी? मैं बहुत सीरियस थी और मुझे उनकी बहुत परवाह थी, और मैंने उन्हें कभी एस्कॉर्ट नहीं किया। वो हमेशा वही करते थे जो वो करना चाहते थे। उनका खाना पीना, उठना बैठना, पहनना, मैं कुछ नहीं करती थी, वो सब खुद डिसाइड करते थे। Come on! और ज्यादातर तो वो अपने शूटिंग पर होते थे जहाँ उनका स्टाफ उनके साथ होता था। वो मेरे साथ सिर्फ तभी होते थे जब हम घर पर होते थे या वेकेशन पर, और उनके मोबाइल, उनके एक्सेसरीज, उनके गैजेट सब उनके पास ही होते थे। मैंने कभी उन पर कोई हुक्म नहीं चलाया, कभी नहीं। मैं जो भी करती थी सब में उनकी मर्जी होती थी। आप महेंद्र से प्यार करती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, फिर शादी करी। मैं जिस रिश्ते में थी वो रिश्ता शादी जैसा ही था। बाबू, ये लो मेडिसिन्स खाओ। मेडिसिन्स? खा लो मेरा बच्चा, दवाई टाइम टू टाइम लेनी चाहिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। मेडिसिन्स। वैसे बाबू, तुम्हारा जो कुक है ना, उसे बिल्कुल भी सीजनल सेंस नहीं है। कौन सी सब्जी कौन से मौसम में बनानी चाहिए उसे बिल्कुल भी नहीं पता। जो जी में आता है वही बना के रख देता है। और दूसरा, तुम्हारा अकाउंटेंट कितने पैसे निकालता है, कहाँ खर्च करता है और कौन सी चीज किस कीमत पे लाता है, तुमने कभी पूछा उससे? Yeah, it's a family. कोई गड़बड़ नहीं होगी, परिवार है वो मेरा। बाबू, तुम बहुत सीधे हो, परिवार वाले भी धोखा दे देते हैं। बाप बेटे का नहीं होता और बहने भाई की नहीं होती। तुम गांव के हो ना, इसलिए थोड़े इमोशनल हो। ये जो शहर के लोग है ना, ये तुम्हें बेवकूफ बना के खुद तो राजा बन जाएंगे और तुम्हें रंक बना देंगे। इनसे ना थोड़ा संभल कर रहा करो। और ना, मैंने आज से फैसला कर लिया। क्या? अब घर का अकाउंट्स मैं देखूंगी। कौन सा सामान बाजार में कितने का मिलता है और हमारे घर में कितने का आता है। बाबू, ये जो घर है ना, इसके पैर नहीं होते, इसे हमें अपने हाथों से चलाना पड़ता है। Really? You're so kidding now. बाबू, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ खाने में क्या बन रहा है। Sure. Okay? Thank you. Wait, I'll show you. Okay? संभल कर। Ready? Yes. Thank you.
ओके What is this? It's moon. Oh my god. Closer look. So beautiful. Hey. Beautiful, na? Yes. बड़े भक्त हैं ना आप? क्यों नहीं? Why not? What is bad in that? देखिए जिंदगी में रोशनी डालने के लिए पास बहुत सारे विषय थे. और उनकी पकड़ इस पर बहुत मजबूत थी. यू अंडरस्टैंड? उनको पता था, अच्छी तरह से पता था कि जिंदगी एक उम्र होती है. एक उम्र, हाँ, लेकिन उसको जिया कैसे जाए? दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग. ओके, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप जिंदगी जीते हैं उसी तरह से जिंदगी जिए? देखिए, मैं जिंदगी को कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा कर सकता हूँ. मैग्नम ओपस, यस. और इस बात के लिए ओशो का सर्टिफिकेशन है मेरे पास. शायद इसी वजह से आप जिंदगी के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. कौन कब बीमार हो सकता है, कब कोई डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, कब कोई पागलपन पे उतर सकता है, राइट? I beg your pardon, मैं कुछ समझा नहीं मैम. अक्सर मैं देखती हूँ टेलीविजन में ऐसे डिबेट्स में, मतलब ऐसे टॉपिक्स पे, तो लंबे चौड़े भाषण आप ही देते हैं. So what? It's a part of our profession. That's it. Cool affair. I totally agree with it. समझाती हूँ. इंसान जब अपने घर के छत पर बैठता है तो उस इंसान को अपने घर का दरवाजा दिखाई नहीं देता. Well, ये सब छोड़ो. ये बताइए, उर्वशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Oh, it's simple in toto. मैं उर्वशी से मिला, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसे फिल्म में रोल दे दिया. But there is absolutely a professional rapport. ये आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, जिसका मुझे इतने टाइम से इंतजार था. मैं सुपरस्टार हीरोइन बन गई. खूब भालो. और ये सपना पूरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर सज्जन कुमार जी की वजह से. अरे उर्वशी बेटा, मुझे तो तेरे ऊपर पूरा विश्वास था कि तू एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगी. ना काज तो खूबी भालो है से. हमार खूबी भालो लगे से. मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम और भी तरक्की करो. है मैम, कांग्रेचुलेशन मैम, आपकी फिल्म रिलीज हो चुकी है. इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच. आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस मूवी. और हमने इस मूवी के थ्रू ऑडियंस को एक मैसेज देने की कोशिश की है. एंड आई रियली होप दे लाइक माय वर्क एंड दे विल शो देयर लव इमेंसली ऑन मी. And आज फर्स्ट डे है मूवी का. धीरे धीरे जोर पकड़ेगी एंड इट डेफिनेटली बी अ सुपर हिट. थैंक यू. और मुसलसल हम इसको रिन्यू करते रहे, इस रिश्ते को. और मैं आपको बता दूं, ना तो वो मेरे साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पे थी और ना ही मेरी कैद में थी. लेकिन आजकल आपके कई फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं. सोशल मीडिया, That's a house of stupidity. Pipsqueaks का मोहल्ला है. Pipsqueaks. लेकिन एक बात कहूँ, उर्वशी is like my baby, created baby. रिश्ता कुछ भी हो, दिमाग में गंदगी होना बहुत जरूरी है. You are abusing me, man. No, I'm not abusing you. मैं आपके सामने वो गंद लेकर आ रही हूँ जो 14 तारीख से खोद खोद के निकाली जा रही है. वो हीरोइन जो आपके साथ रहती थी, एक हीरो से उसका प्यार हो जाता है, वो हीरो जो एक्चुअली उसका हीरो है ही नहीं, घर छोड़ के चली जाती है. वो हीरो मर जाता है या मारा जाता है ड्रग्स, नेपोटिज्म और राइवलरी के घने कोहरे में उसे धकेल दिया जाता है. और वो लड़की, वो हीरोइन जिसे आप अपनी बेबी बेबी कहते हैं,
वो अपने पीरियड्स, अपने अच्छे पीरियड के बारे में आपको बता सकते हैं, लेकिन उस मौत के बारे में नहीं बताती जिसके बारे में पूरा देश छाती पीट पीट के चीख रहा है। मिसेस सज्जन कुमार, एक एक्टर का करियर बनाने या बिगाड़ने में आप भले ही बहुत अच्छी तरह से उसे भाप सकते हैं, लेकिन पहचानने में आपसे गलती हो गई। सारे कोहरे को मैं निकाल कर ही रहूंगी, साफ करूंगी, हर एक चेहरे पर फ्लड लाइट्स ऑन करूंगी। नाम याद रखेगा, दुर्गा देवी सिंह। यू मे गो। आई लाइक योर एक्सुबरेंस मैम, नाइस मीटिंग। ये तो सब शुरुआत है, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं महेंद्र को न्याय नहीं दिलवाऊंगी। That's my promise. जो रिपोर्ट मैंने मांगे उसमें कोई डिले नहीं होनी चाहिए। I need those reports immediately. पूछता है इंडिया, पूछता है इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दुर्गा जी क्या कहना चाहेंगी? Just hold on. मैं बोल रही हूँ। लेकिन आपको तो my investigation is on और इस investigation के दौरान मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। आपको पता है, शादी जब होती है तो फेरे लिए जाते हैं, लोग आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ढोल पीटे जाते हैं, ऐसी होती है शादी। पता है, शोर मचाया जाता है, हमने शोर नहीं मचाया, सन्नाटा भी नहीं था। हम भी उसी डोर से बंधे थे जिस डोर से लोग शोर मचा कर बनते हैं। लेकिन समाज ऐसी शादी को शादी नहीं मानता, वो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने का एक रास्ता है और कुछ नहीं। I object, Your Honor. मिस्टर सेन ने एक औरत की स्वतंत्रता, उसकी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी के सामने लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। मिस्टर वानखेड़े, दुनिया में अब कुछ ऐसा नहीं बचा है जिसे देखकर या सुनकर हैरान हुआ जाए। फिर भी अगर हर चीज लक्ष्मण रेखा के दायरे में हो तो वो समाज के लिए बेहतर होगा। बोलने दीजिए, जहां मैं महसूस करूंगा कि लक्ष्मण रेखा पार हो रही है वहीं रोक दूंगा। थैंक यू ऑनर, अब मैं इनसे कोई सवाल नहीं करना चाहता। यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। उर्वशी, तुम हीरोइन हो जी, काफी फिल्मों में काम कर चुकी हो जी, एक्टिंग कैसे करती हो जी? काफी अच्छी कर लेती हूँ। Oh, really? That's very good. लेकिन मेरे सामने कभी एक्टिंग मत करना। और हाँ, तुमने एक स्टेटमेंट दिया था कि 8 तारीख के बाद तुम महेंद्र से नहीं मिली जी। बिल्कुल, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे मुझे पता चला है कि 13 तारीख को तुम महेंद्र से मिली और उसके साथ तुम किसी पार्टी में गई थी। नो मैम, दिस इज नॉट द ट्रुथ। मैंने तुमसे कहा मेरे सामने कभी एक्टिंग मत करना और आइंदा मुझसे झूठ भी मत बोलना। यू मे लीव नाउ। Your Honor, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस सीबीआई को सौंपा तब मुंबई पुलिस से ये कहा कि तहकीकात जारी रखी। उसी दरमियान दिल्ली के कोई कार्डियोलॉजिस्ट प्रेम कुमार और महेंद्र की दो बहनें, इनके खिलाफ उनकी महबूबा उर्वशी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। उस कंप्लेंट में उन्होंने ये कहा था कि महेंद्र सिंह के अकाउंट ये तीनों उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने महेंद्र सिंह को गलत गोलियां दी, गलत दवाइयां दी। साइबर क्राइम के पुलिस टीम ने इस बात का पता लगाया कि इन लोगों ने फेक अकाउंट सिर्फ इसलिए खोले थे ताकि बार उदबा और शरीफ लोगों को बदनाम किया जाए, और जब इस बात का पुलिस को पता चला उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन ली। बैठिए, ये जो साइन है, बैठ जाओ। सर, कौन है ये लोग? सर, ये है धीरज कुक। सर, ये है साइमन मोजेस अकाउंटेंट, और वो है दीपक यादव हाउसकीपर। तो बताइए, महेंद्र का कितना पैसा गबन किया आप लोगों ने?
सर मुझे डेली एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे मिलते थे मैं उसी का हिसाब किताब रखता था, बाकी हर महीने सीए साहब के ऑफिस पहुंचा दिया करता था। सारी पेमेंट कैश में होती थी? सर अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट होता था तो चेक दिया करते थे। मतलब कि सारा एडवांस पेमेंट जो है साइंड चेक पे आपके पास होता था? यस सर। और तुम लोगों की जो सैलरी है वो कैसे मिलती थी, चेक से या कैश से? सर चेक से। अच्छा कुक कौन है? जी सर। तो ये बताइए कि घर पे जो खर्चा होता था किचन का वो कैसे होता था? साहब अगर कभी पार्टी होती थी तो 30 से 40 लोगों के लिए बनाता था, वरना साहब और उनके दोस्त और स्टाफ के लिए। मतलब कि तुम्हारे ये जो साहब हैं वो क्या खाते थे, दाल रोटी सब्जी या वो का क्या? सर मटन। हाँ वो जो मटन है वो खाते थे? वो हर तरह का खाना पसंद करते थे साहब। और तुम्हारी उर्वशी मैडम वो क्या खाती थी, हिल्सा फिश? यस सर, वो बंगाली डिश खाना पसंद करती थी। मतलब ये कि घर पर किचन का जो खर्चा है वो तो बहुत होता होगा। जी साहब। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे साहब टाइम टाइम पर तुम लोगों को फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे भाई बहन के जन्मदिन पर गिफ्ट देना या फिर माँ बाप के मेडिकल बिल्स या उनके इलाज के लिए पैसे देना, ऐसा करते थे ना? जी साहब। और ये सारी मदद कैश में ही होती थी? चेक से साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? मनी माइंड एसोसिएट्स। जी बोलिए। सर ये मनी माइंड एसोसिएट्स से आए हैं और ये महेंद्र सिंह के सीए हैं। हेलो सर। मुझे महेंद्र सिंह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज की पूरी डिटेल्स चाहिए। जी। उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, उनकी इनकम कितनी थी, किस तरह का एक्सपेंडिचर था और किस तरह के बिजनेसेस थे। बैठिए। मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना, सिर्फ एक ही बार कहूंगा। महेंद्र सिंह के अकाउंट में कितना पैसा आया है, कहां कहां खर्च किया गया है, टैक्स कितना भरा गया है, कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी गई है, क्या क्या गिफ्ट दिए गए हैं, मुझे सब कुछ जानना है। देश के बाहर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है मुझे वो भी जानना है। महेंद्र सिंह जो पेमेंट्स लेते थे उसमें ब्लैक और व्हाइट का परसेंटेज क्या है ये भी मुझे जानना है। बेनामी संपत्ति कहां कहां है, कितने फर्म्स और एनजीओस वो चलाते थे, किस किस कंपनी में पार्टनरशिप थी, किस किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, किसी गुंडे या टेरर ग्रुप को एक्सटॉर्शन मनी देते थे या नहीं, और अगर देते थे, अगर हाँ है तो वो कैश कौन इंतजाम करता था, और महेंद्र सिंह किस तरह से वो कैश वापस लौटाते थे, ओवरसीज के शोज की पेमेंट कहां आती थी और किस करेंसी में होती थी, मुझे ये भी जानना है। मरने से पहले साइन की गई फिल्म्स का कितना पेमेंट आ चुका है और कितना बाकी है, आई वांट टू नो दैट। और हाँ आप उनके सीए हैं तो जाहिर सी बात है कि टैक्स का पैसा किस तरह से आप बचाते थे और कौन कौन से तरीकों से आप बचाते थे ये भी मुझे जानना है, राइट? ये जो स्मार्टफोन है ये अपने ओनर के लिए बड़े ही कमाल की चीज है, और ओनर की असलियत जानने के उसकी औकात जानने के लिए ये मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज है। वट एवर यू पुट अप इन द क्लाउड थ्रू दिस डिवाइस I can get to know all the data, all the details about you. तुम ये जो छोटे मोटे म्यूजिक चैनल्स हैं उस पर वीडियो जॉकी का काम करती थी ना, और उसके बाद किसी तरह से थर्ड बी ग्रेड फिल्म की जो हीरोइन है वहां तक तुम पहुंच, कमेंडेबल, वेरी वेरी कमेंडेबल, लेकिन फिर भी किसी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारा कोई ठोस करियर तुम्हारे पास नहीं था,
और कहा जाता है कि महेंद्र आगे का होने वाला सुपरस्टार था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी इनसिक्योरिटीज को ढकने के लिए, अपने आप को और सिक्योर बनाने के लिए तुमने अपना रिश्ता महेंद्र के साथ जोड़ा? व्हाट? नो, ये झूठ है। मुझे महेंद्र अच्छा लगता था और मैं उससे शादी करना चाहती थी। ओ, अगर तुम उससे शादी करना चाहती थी तो उसे छोड़ के क्यों गई? सर, महेंद्र को छोड़कर आने में महेंद्र की भी तो गलती हो सकती है ना? अच्छा, क्या गलती है उसकी? क्या गलती है? सर, आई एम सॉरी बट मैं अपने पर्सनल मैटर्स को इंटरोगेशन का पार्ट नहीं बनाना चाहती। बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये मामला एक हीरो और उसकी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली हीरोइन का एक पर्सनल मामला है। इसमें लूट है, डिसीट है, सुसाइड है, मर्डर है और इस सब पर पर्दा डालने वाला एक खटिया प्लॉट है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू? तुम्हारा जो भाई है वो देश का भ्रमण करता है और तुम यूरोप ट्रैवल करती हो। अगर वाकई में तुम महेंद्र से वाकई इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, तो अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तुम्हारे भूख का निवाला हमेशा महेंद्र ही क्यों बना? तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा महेंद्र के पैसे ही क्यों खर्च होते थे? क्यों? तुम महेंद्र को लेकर आप यूरोप गई थी ना? रोमांस के लिए या किसी तरह का जादू टोना करने के? क्या करने गई थी? लेकिन महेंद्र तुम्हारे साथ वहां पर रोमांस नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था। वो बीमार था ही, वो सिक। उसके स्टाफ का एक एक आदमी बोल रहा है कि यूरोप से वापस आने के बाद ही महेंद्र बीमार हुआ था। He was sick only after he came back. Sir, this is not true. महेंद्र पहले से ही बीमार था। मैं उसे दवाइयाँ देती थी। In fact, मैं उसे ऑस्ट्रेलिया के एक डिटॉक्स सेंटर में भी ले गई थी। But वो वहाँ से चला आया। मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए महेंद्र सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी की तरह था। उसके आसपास तुम लोग जमा थे, उसे खिलाते थे, उसे पिलाते थे। लेकिन एक बार उसके अंडे देने का जो कोर्स है वो पूरा हो गया, तुमने उस मुर्गी को ही खत्म कर दिया। सर, मैंने महेंद्र को नहीं मारा, उसने सुसाइड की है और उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस समय तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। तुम मुझे उस मकड़ी की तरह नजर आ रही जो अपने ही पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है और ठीक उसके बाद अपने ही पार्टनर को खा जाती है। हमें आप दोनों की सारी डिटेल्स दीजिए। यॉनर, अब मैं महेंद्र सिंह के अकाउंटेंट को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? आप महेंद्र सिंह के साथ कब से काम कर रहे हैं? जी सर, 5 साल से। मतलब महेंद्र की जिंदगी में उर्वशी आपके सामने आई थी? यस सर। क्या यह सच है कि उर्वशी महेंद्र के घर को और उसके स्टाफ को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सिंह विटनेस से वो कहलाना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, ताकि वो मेरे क्लाइंट की एक बहुत ही बेकार तस्वीर अदालत के सामने पेश करें। योर, जिस लड़की ने महेंद्र की जिंदगी उससे छीन ली, उस लड़की की तस्वीर को मैं साफ सुथरा कैसे पेश कर सकूं? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट बेकसूर है। हर अपराधी के लिए उसका वकील यही कहता है। मिस्टर वानखेड़े, हो सकता है कि मिस्टर सिंह के पूछने का तरीका गलत हो, लेकिन सवाल गलत नहीं है।
बेहतर यही होगा कि आप खामोश रहें। मिस्टर सिंह, गो अहेड। थैंक यू योर ऑनर। कैसा बर्ताव? सर, मैडम हर जगह खुद का ही चलाती थी और वो ये चाहती थी कि महेंद्र सर के आसपास उनके ही लोग रहे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। उर्वशी और महेंद्र की हस्ती और बस्ती पर दोनों पर कंट्रोल। हेलो मैम, बैठ जाओ। बोला ना, बैठो। तुम लोग महेंद्र के सर्वेंट हो, पर आप उनके लिए दोस्त से कम नहीं हो। ये क्या बोल रहे हो उर्वशी मैडम? सच बोल रही है। अपने जैसी मैडम क्वीन उर्वशी तुम लोगों को जिंदगी में नहीं मिलेगी। यस मैम। अभी कैसा है, अपुन ने बोला दोस्त तो दोस्त, खाने का, पीने का, जीने का, दम मारने का, और जिंदगी में है ही क्या। यस मैम। चल अब जूस डाल। पूरा भरना यार। चल, हाउसकीपर, अब हाउसवाइफ को एक सिगरेट जला दे। जी मैम। भी ये नहीं जलती तो क्या भाई, तेरे को जला डालती। अरे अपन भाई है, तेरे साथ है, और भाई साथ है तो डरने का नहीं। क्या उर्वशी भाई? मैडम आप साथ है तो डर काहे का। तो मैम हम चले? अरे किधर चले, तेरे से तो अपन को बात करने का है रे। मेरे से क्या? अरे डरता क्यों है, बताती है ना। अभी देख, अभी कैसा है, बॉस का दिमाग ठीक नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब रहती है, और जो धंधा है वो मंदा चल रहा है। मैं सब संभाल लेगी, वो क्वीन उर्वशी की जान है, लेकिन बॉस को टेंशन देने का नहीं। मैं भी मैम यही चाहता हूँ कि बॉस को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी कैसा करेक्ट बोला तू? यस मैम। तू बिल्कुल सही आदमी है रे, करेक्ट गाय। अभी जो मैं बोलती है एकदम ध्यान से सुनने का, अभी आज के बाद बॉस को टेंशन देने का नहीं। समझा ना, क्या करने का है, घर में क्या लाने का है, कितना पैसा कहाँ खर्च करने का है, अपन सब संभाल लेगी। जी। लेकिन बॉस को टेंशन नहीं, समझ लेगा ना। अब क्या देख रहे हो, चलो कट लो, अपने अपने काम पे लग जाओ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जब जब सिगरेट का धुआं अंदर जाता है, उर्वशी का एक से बढ़कर एक प्लान बाहर आता है। मिस्टर वानखेड़े, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी अभी आपने कहा कि उर्वशी महेंद्र के आसपास अपना स्टाफ रखना चाहती थी, तो क्या उर्वशी ने महेंद्र के स्टाफ के किसी आदमी को निकालकर उसकी जगह अपना आदमी खड़ा किया? जी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। अब आप जा सकते हैं। सच में क्या आज हमारी सारी बहनें इस रक्षाबंधन पे हमारे पास मुंबई में? सच में भाई, आप तो आने से रहे, इसलिए हम चारों ने मिलके ये प्लान किया कि इस रक्षाबंधन पर हम यहाँ होंगे। यहाँ होंगे हम। क्यों है ना? और भैया, हम चारों बहनें भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी फिल्में सुपरहिट हो। और हम चारों बहनों की तरफ से आज आपको आशीर्वाद। आप लोगों से इतना प्यार जो हमें मिल रहा है, अब हमें लगता है कि इस रक्षाबंधन पे हमें आप लोगों को गिफ्ट भी देना पड़ेगा, है ना? प्लीज नहीं, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए?
हाँ अरे भाई भाई क्या जो रक्षाबंधन पे अपनी बहनों को गिफ्ट ना दे। एक मिनट सुनो। यस सर। सब बहनों को हाँ इंडिविजुअली सबके नाम पे 25 लाख की FD करा दी जाए इमीडिएटली। ओके श्योर डन। खुश 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 खुश। ऐसे नहीं पहले आप वादा कीजिए हम सब चारों बहनों से कि अगले रक्षाबंधन से पहले आप हमें भाभी लाकर देंगे है ना। क्या मजा आएगा। जी नहीं पहले आप लोगों के बच्चे बड़े होंगे उन बच्चों की मामा शादी कराएगा उसके बाद में मामा की कोई शादी वादी होगी। ऐसे थोड़ी ना। बस बस फिल्मी कहानियां बनाना बंद कीजिए आप। हम चारों को अगले रक्षाबंधन पर भाभी चाहिए। चाहिए हाँ। ये हम सब चारों बहनों की तरफ से हमें भाभी चाहिए। ओके 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 है ना भाभी चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है एक काम करते हैं इस मौके पे बहुत प्यारा सा एक फोटो खींचते हैं। एक फोटो हो जाए ठीक है चलो चीज ये। योर ऑनर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स हमें दिए हैं वही रिपोर्ट्स कुपर हॉस्पिटल ने भी दिए हैं और वही हमने दाखिल किए। ये केस की तफ्तीश में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं ये मीडिया वालों ने हमारी छवि को बदनाम करने की कोशिश की और पुलिस को पब्लिक के सामने मलिन किया। सुसाइडल केस में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट सबमिट करना बहुत जरूरी होता है जो कि हमने किया है। अब महेंद्र के जो रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है कि IPC 302 के तहत हम उर्वशी पे मुकदमा दायर करें। देखिए कई लोगों के स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमें ये मालूम पड़ा है कि महेंद्र सिंह की दौलत पर उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी बहनों की भी नजर थी। नहीं सर हमें अपने भैया से प्यार था उसके पैसों से नहीं। हम हमारे भैया की प्रॉपर्टी को बचाना चाहते थे हड़पना नहीं। लेकिन मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा उसके अकाउंट से पैसे निकलते रहे और आप लोगों को पता नहीं चला। हाउ इज दैट पॉसिबल सर। उस डायन ने ही हमारे भैया पे और हमारे भैया की सारी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर रखा था। हमारे भैया के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही हमें हकीकत का पता चला। अच्छा ये बताइए क्या आपके भैया ने कभी आपको पैसे देने की कोशिश की थी? नहीं सर कभी नहीं। रक्षाबंधन पर भैया पैसे और गिफ्ट देते थे। देखिए हमारी जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही इस केस के तह तक हम पहुंचेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बेईमानी से कमाई हुई दौलत परेश करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। अरे जो बात हमने एक दिन में बताई वो बताने के लिए इन्हें 5 महीने लगे। कुछ नहीं है मुंबई पुलिस को बदनाम करने की चाल है और क्या। हाँ जी सर अभी तक तो चैनल में भी बकवास करते थे अब इनकी भी बोलती बंद हो गई है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए सर? क्या करना है तहकीकात जारी रखनी है लगा तो घोड़ा ने तुझे ब्रा। चलो। यस सर। सर मेरे हिसाब से महेंद्र को इंसाफ मिलना चाहिए ये मेरा दिल कहता है। मेरा दिलो दिमाग इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि महेंद्र ने सुसाइड किया। आई थिंक दिस इज अ केस ऑफ मर्डर कोल्ड ब्लडेड मर्डर और इसका पूरा कनेक्शन ये जो ड्रग माफिया है ड्रग कार्टल है उससे कनेक्टेड है सर और इसका पूरा सबूत मेरे पास है। मुझे मैटर भेजो और अगर सबूतों में दम है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस ड्रग रैकेट को क्रश कर दूंगा और जो महेंद्र है ना उसके साथ न्याय होगा जस्टिस होगा। आई प्लेज। थैंक यू सर। मैं हूं NCB चीफ मुकेश मारवा दिल्ली से आया हूं। 4 दिन हो गए हैं 4 दिन हो गए मुझे रिसर्च करते हुए बंबई के हर पेडलर के पास गया हूं 90% ऑफ पेडलर्स से मेरे कॉन्टैक्ट हो गए। इस फाइल के अंदर पेडलर्स की स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से 3-4 पेडलर्स ने बोला है कि तुम उनसे माल लेते थे पैसा देते थे और फिर जाके किसको आगे देते थे? मेरे ख्याल से उर्वशी को जाके देते थे। हाँ या ना बोलो यानी कि तुम ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व थे
इसमें लिखा स्टेटमेंट है साइन। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, आई विल हेल्प यू पक्का, यस और नो? यस सर। यानी कि उर्वशी आपको पैसा देती थी, आप जाकर ड्रग पेडलर से माल लेते थे, माल लेके उर्वशी को देते थे, और ये उर्वशी आगे किसको देती थी? क्या ये महेंद्र को भी ड्रग्स देती थी? पता नहीं। तो तुमको सब कुछ है भैया, ये जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर जो चश्मा है, चश्मे के पीछे दो आंखें हैं, मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ रहा हूँ। ये सिलसिला कब से चल रहा है? पिछले नवंबर। नवंबर से लेकर जब तक महेंद्र की मौत हुई है तब से ये सिलसिला चल ही रहा है। यानी कि तुम ड्रग्स की पेडलिंग करते थे, एंड पेडलिंग इज अ वेरी बिग क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है। पैसा दे के ड्रग लेना, ड्रग लेके डिलीवरी करना, वेरी बैड। नाम क्या है तुम्हारा? साइमन मोजेस। हाँ, ये साइमन मोजेस है, इसको अरेस्ट कर। यस, चलिए। चलिए मैम, आप ये ड्रग्स कहाँ से लेते थे, किसको देते थे, कौन से इलाके में बेचते थे? रेजिडेंशियल, ऑफिस, कॉलेज कैंपस, पार्क्स, ट्रांसपोर्ट्स, जिस जिसको ये ड्रग्स तुम लोग बेचते थे, मुझे हर इंसान का मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, एवरीथिंग इन डिटेल्स चाहिए भाई, और कुछ नहीं। अपुन कुन का नाम पता नहीं मालूम। वो क्या है ना साहब, रेगुलर कस्टमर के अलावा अपुन को किसी का चेहरा याद नहीं रहता है साहब। नए नए कस्टमर आते हैं तो उन्हें अपुन का चेहरा याद रहता है, आते हैं, माल लेते हैं और फिर चले जाते हैं साहब। उर्वशी, मैडम उर्वशी को तो पहचानते होंगे ना तुम लोग? सर उनका चेहरा तो याद है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। वो ड्रग लेती थी? हाँ सर, लेती थी। वो खुद लेने आती थी? हाँ साहब, अपुन खुद कई बार उनको अपुन के हाथ से दिया, मगर 2-3 महीना लॉकडाउन होने के बाद साहब हम निकल नहीं पाए, तो उनका भाई अजय आकर माल लेके जाता था साहब। अजय मेरा भाई है। अजय कहाँ है? अंदर है। पर आप लोग कौन? अरे ऐसे कैसे? I'm an officer of narcotics bureau. कौन है आप लोग? अरे कौन है आप लोग? चल बोलते ना। छोड़िए मुझे। चल सब पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे आप कहाँ लेके जा रहे हैं? क्या बात है? कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? मैं नहीं बताइए। अरे चल बोलिए। सर कुछ तो बताइए। उर्वशी महेंद्र के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, वो साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, ये तो समझ में आता है। लेकिन तुम दहेज बनकर अपनी बहन के ससुराल में क्या कर रहे थे? सर वो मैं महेंद्र का काम देखता था सर। क्या काम देखते थे? उसके बैंक का काम देखते थे, उसकी डेट की डायरी को संभालते थे, या फिर उसे अफीम, गांजा, ड्रग्स ला के देते थे? एक सितारा जो कामयाबी के आकाश को छूने के लिए तैयार हो रहा था, वो टूट कर जमीन दोज हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? तुम और तुम्हारी बहन? नहीं सर, ये गलत है। उसकी मौत में हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो डिप्रेशन में था, ड्रग्स लेता था। लेकिन उसको ड्रग्स देता था कौन? सर वो पहले से ही लेता था सर। देखो, बिना शादी किए हुए तुम्हारी बहन उसकी बीवी बनकर रह रही थी, वाइफ, और तुम उसके साले बनकर रह रहे थे। तुमने कभी ये सोचा नहीं कि अगर महेंद्र मर गया तो तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी? सर हम रुकते थे, उसका इलाज भी चल रहा था, मगर वो कभी किसी की सुनता नहीं था, उसे ड्रग्स की लत लग चुकी थी। अरे तुम दोनों बहन भाई उसकी दवाई में ही ड्रग्स डाल के उसको दे देते थे? नहीं सर, वो खुद मांगता था सर। देखो उर्वशी, तुम्हारी बहन ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि वो और अजय यानी कि तुम उसके भाई, तुम्हारी बहन ने रिटन स्टेटमेंट दी है कि तुम मिलकर महेंद्र को ड्रग्स देते थे, और तुम दोनों को जो ड्रग्स देते थे वो पेडलर्स को हमने अरेस्ट कर दिया है, और उन्होंने भी रिटन स्टेटमेंट दी है कि वो तुम लोगों को ड्रग्स डिलीवर करते थे, अब तुम दोनों बहन भाई उनकी पेमेंट करते थे।
पूर्वशी को जब मैंने ये सब कुछ बताया, मैंने उससे बोला कि अगर तुम सच सच मुझे बता दोगी ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर तुम्हारी बहन पूर्वशी ने मुझे बताया कि हाँ, हम उसको ड्रग्स देते थे, यानी कि वो और तुम मिलकर उसको ड्रग्स देते थे, तो मैंने उर्वशी को छोड़ दिया। देखो मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि ये जो मीडिया है ना, तुमको फालतू में ट्रोल कर रहा है, इसमें ज़्यादा केस में दम नहीं है। अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैंने जैसे उर्वशी को छोड़ा है, तुम्हारी बहन को तुमको भी छोड़ दूंगा। सर हम ही ड्रग्स लाते थे, हम ही उसे देते थे। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी सर। जी सर। इसको अरेस्ट करो। ओके सर, आपने बोला था आप छोड़ दोगे सर। सर प्लीज सर, ऐसा मत करो सर, प्लीज सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सर हे भगवान, अजीब है तेरी माया, कभी भूख कभी छाती। ये जो तुम्हारा भाई है ना अजय, बहुत शातिर है। उसके गले में जो सच्चाई की बलगम थी ना, मैंने उसकी हालत में हाथ डालकर पूरी सच्चाई बाहर निकाली है। पता तुम्हारे भाई ने क्या बोला है? रिटन स्टेटमेंट है उसकी, उसका साइन है। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी है तुम्हारे भाई की, तुम्हारे सके भाई की, जो तुम्हारा खून है। उसने बोला है कि तुम महेंद्र को ड्रग्स अपने हाथों से देती थी। सच ही कहा है किसी ने, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेरी बात सुनो, कभी भी किसी इंसान पे विश्वास मत करो, चाहे वो तुम्हारा सका भाई हो, क्योंकि नमक और शक्कर दोनों का रंग सफेद होता है। तो तुम ड्रग्स लेती थी। मैंने तुम्हारी काफी इंटरव्यूज देखी हैं टीवी पे, जिसमें तुमने बोला है कि तुम महेंद्र को एक माँ की तरह प्यार करती थी। माँ की तरह प्यार करती थी? कभी माँ ने अपनी औलाद को ड्रग्स दिए हैं? कभी माँ ने अपने बच्चों को ड्रग्स लेना सिखाया है? लेकिन तुम करती थी। कैसी माँ थी तुम? करती थी ना? मुझे जवाब दो, कुछ तो बोलो। इस दुनिया में पांच चीजें इम्पॉसिबल थी। एक, मच्छर को लिपस्टिक लगाना। दूसरा, हाथी को गोद में लेना। तीसरा, कॉकरोच को प्यार करना। चौथा, छिपकली को कपड़े पहनाना। और पांचवा, तुम्हारा मुंह खुलवाना। तुम ड्रग पेडलर खुद हो। हमने 30 ड्रग पेडलर्स को जेल की सलाखों के पीछे रखा है, जिसमें से 28 बोलते हैं उनका कॉन्टैक्ट तुम्हारे साथ था, यानी के यू आर अ ड्रग पेडलर। तुम्हारा मेन धंधा बिजनेस वॉज ऑपरेटिंग इन ड्रग्स। काश तुम एक अच्छी माँ की तरह होती। I wish, एक उभरता हुआ कलाकार, कल का सुपरस्टार, एक फैमिली का इकलौता बेटा आज हमारे बीच में होता, जिंदा होता। Very sad, very sad. Arrest this girl. चलिए। मैंने ना बहुत सारे सपने देखे थे। मुझे लगता था कि मेरे इन सपनों को
जो लोग सच करते हैं ना, हर रोज इसी शहर में उगते हैं, ढलते हैं। पर पता नहीं क्यों अब लगता है कि मैं किसी रॉन्ग डेस्टिनेशन पे हूं। अब दिल करता है कि कहां जाऊं, फार्मिंग करूं, खेती बाड़ी करूं। ये मेरा प्लान नहीं था यार, पर अब लगता है जो प्लान है ना वो भी मेरे इसी प्लान का हिस्सा हो गया। बाबू जो स्टार बनने के सपने देखते हैं ना, वो बाकी सारे सपने देखकर छोड़ देते हैं। माना कि आज तक मेरी कोई फिल्म चली नहीं, बट मैंने कई सारी फिल्में की है। एंड नाउ आई एम एडिक्टेड टू द ऑडियंस। मुझे भीड़ चाहिए, एक ऐसी भीड़ जो मुझे जानती हो या मुझे जानना चाहती हो। तुम्हारे परिवार वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। कल तुम्हारी बहन आ रही है और मुझे यहाँ देख के उसे तुम्हारे घर का ये खूबसूरत इंटीरियर भी ठीक नहीं लगेगा। और मेरे लिए तो तुम अपने परिवार वालों से लड़ोगे भी नहीं, राइट? मैं इस वक्त बहुत सारी चीजों से लड़ रहा हूँ। आई नो बाबू, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए एक और लड़ाई मोल लो। हम अलग हो जाते आज से, ना तुम मेरी बुराई करना और ना मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी, फेयर इनफ? और मीडिया के लिए एक वीक सी हेडलाइन छोड़ देंगे, हम साथ थे हम साथ नहीं है, सिंपल। मैं चलूं? तुम्हारे यहां रुकने की और कोई सूरत भी तो नहीं है ना मेरे पास। मेरे सपनों ने यहाँ रुकने की सारी सूरतें और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, और मैं अपने सपनों को नहीं तोड़ सकती। बहुत दर्द होता है जब सपने टूटते हैं। थैंक यू बाबू, बाय बाय, अलविदा। आवे यहाँ आके बाड़ी जावी। मैडम आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तुम्हारे भाई को और भाई के भाई को घर छोड़ के जाने को बुलाया तुम्हारे बॉस ने। अभी कैसा है ना, भाई को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपुन को मालूम है कि तुम्हारा बॉस अपुन के बिना नहीं रह सकता है। बॉस ने आपको क्यों बोला अचानक, बात मेरे समझ में नहीं आई। बात बॉस की नहीं है, बॉस की बहन की है। बॉस तो सिर्फ अपने बहन के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। आपने क्या बोला बॉस को? बॉस के ऑर्डर को चैलेंज करने का नहीं, मान लेने का। मान लिया। मैडम आज शाम के खाने में क्या बनाऊं? अरे खाना बनाने वाले, तेरी अकल यहाँ है कि यहाँ है? अभी अपन घर छोड़ के जा रहे लिए, लेकिन नहीं जा रहे लिए। मैम मैं समझा नहीं, कैसे? वैसे कि इस घर की पल पल की रिपोर्ट तुम लोग मुझे दोगे। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे बॉस को अपुन ब्लॉक करेगी। जब जब सिगरेट का धुआं अंदर जाता है, उर्वशी का एक से बढ़कर एक प्लान बाहर आता है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अब शुरू होगी। Come on अजय, let's move। उर्वशी की हुए जी? उर्वशी मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। महेंद्र को छोड़ दिया? क्या नो, तू तो कहती थी ना
महेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़के में होनी चाहिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के लिए। फिर उर्वशी, हठात की होएगा लो मामुनी? वहां अगर मैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आपसे सिर्फ इतना बोलूं कि मैं आज के बाद महेंद्र से नहीं मिलूंगी, तो क्या आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे? मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? सर, 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 जूस लाया हूं। हॉल में कौन कौन है नीचे? वही दोनों हैं सर। और कोई नहीं है? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। ठीक है, तुम जाओ, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अरे मंत्री जी का फोन, थक गया हूँ, स्पीकर पे लेता हूँ। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए मंत्री जी। मैं ये कह रहा था कि वो रवि कुमार और सिमरन को समन मत भेजना, और काशिफ अली को स्टेटमेंट लेके छोड़ दो। मंत्री जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। तो मेरी आवाज अपने कान खोल कर सुन लो। ये जो आप बोल रहे हो ना, ऐसा मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं और मैंने जिंदगी में कानून को तोड़ा नहीं है। और दूसरा, आपने जो कुछ कहा है मुझसे, मेरे फोन के अंदर रिकॉर्डिंग है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अगर आइंदा ऐसा कुछ मुझसे कहने के लिए आप बोलेंगे, तो आपकी जो ये रिकॉर्डिंग मेरे फोन में हुई है, हर टीवी के चैनल पे चलेगी और ये ट्विटर पे भी आएगी। तो आइंदा मंत्री जी, सोच समझ के मुझे फोन कीजिए। ये पहली गलती है आपकी, पहली गलती, इसलिए मैं आपको माफ कर रहा हूँ। डोंट डू इट अगेन, डोंट डेयर डू इट अगेन। अरे देखिए, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब। बारे भगवान तेरी अजीब माया, कभी धूप कभी छाया। वो सर के सिस्टर का कॉल आया था, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे, जरा एक बार देखना तो। ओके सर, मैं देखता हूँ। सर, 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 साइमन सर, सर दरवाजा नहीं खोल रहे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया? क्या? लेट मी ट्राई। सर, सर, दो घंटे से सर दरवाजा ही नहीं खोल रहे, पता नहीं क्या हुआ सर। सर, सर दरवाजा खोलिए। महेंद्र सर, सर दरवाजा खोलिए सर। सर,
क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में क्यों है? नहीं खोल ले सर, मैंने चेक किया जाके, लेकिन तब भी बहुत खुल नहीं रहे। वो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, मैं चाबी वाले को फोन करता हूँ। नॉक किया सर मैंने भी। हाँ मैंने भी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ ये महेंद्र जी के घर पे मैसेज कर दो। हाँ मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जल्दी पहुँच जाना। 2000 लगेंगे। अरे हाँ भाई 2000 2000 मिल जाएंगे, लेकिन जल्दी आ जाना। ओके ठीक है। हाँ जल्दी आओ। हाँ यही करो। देखो यार जल्दी तोड़ो भाई, टाइम लगेगा। अरे भाई अर्जेंट है। अर्जेंट है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो तोड़ दो। ठीक है। चल भाई। ये लो तुम्हारे 2000। जाओ बराबर है ना? हाँ भाई ठीक है। आठ वीक सर अभी भी बाहर नहीं आए। चलो ऊपर चल के देखते हैं। चलो ऊपर देखते हैं। आसमान को छू ले। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र चांद पे पहुंच जाए, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर ले। एक ऐसी उड़ान मुमकिन है। एक कोशिश, सिर्फ एक कोशिश, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कोशिश के बिना कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। अगर आत्मविश्वास हो तो आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी के सफर की शुरुआत तब होती है जब आप अपने डर को अंदर से निकाल देते हैं। मैं भी एक सूरज बनना चाहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये सूरज जब ढलता है ना तो पूरी की पूरी दुनिया सनसेट पॉइंट पे आ जाती है, इसी सूरज को निहारने के लिए। उड़ान, एक ऐसी उड़ान जो आसमान छू ले। दीदी, भैया ने आखिरी वीडियो भी यही देखा था। चादर में आएगा। मैडम एक मिनट साइड में रहिए। बड़े लास्ट स्टेज पर ठेवा। हो सके। एक दिन पकड़ा। हाँ हो सके। हो सके। हो सके। रब्बा
सीबीआई और ईडी की छानबीन के बाद अनफॉर्चुनेटली दे हैव गॉन अ नॉट एन एब्सोल्यूट जीरो. कत्ल, अबेटमेंट टू सुसाइड और मनी लॉन्ड्रिंग से महेंद्र की मौत का कोई संबंध नहीं. यहां तक कि उर्वशी का इन ड्रग चार्जेस से कोई वास्ता नहीं. जिससे यह साबित हो जाता है राणा कि महेंद्र की बिगड़ती हुई दिमागी बीमारी और अंत में उसकी सुसाइड, इसमें उर्वशी का कोई हक नहीं. योर ऑनर, तीन तीन सेंट्रल एजेंसीज मेरे इस बेकसूर क्लाइंट उर्वशी के पीछे हाथ धोकर पर इसे डराया, धमकाया, इसे टॉर्चर किया सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक मासूम अकेली लड़की, सिर्फ इसलिए योर ऑनर कि इसने एक ऐसे लड़के से प्यार कर लिया जो कि नशे का आदी हो चुका था और जो कई सालों से एक बढ़ती हुई दिमागी बीमारी से जूझ रहा था. हालांकि मुंबई शहर के बहुत ही मशहूर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे पर अफसोस अंत में उसने खुद पूछा. और यह सिर्फ इसलिए और आना कि उसने गैर कानूनी तरीके से दिए गए ड्रग्स और दवाइयों का इस्तेमाल किया. अगर हम ये मान भी लें कि उर्वशी और अजय से ड्रग्स बरामद हुई तो वो ड्रग्स बहुत ही कम क्वांटिटी के थे और योर ऑनर इसके बावजूद इन दोनों पे सेक्शन 27A ऑफ द NDPS एक्ट लगाया गया. इसकी सजा एज यू वेरी वेल नो योर ऑनर 20 साल है. अगर किसी के पास कम क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद होती हैं तो वो इतना सीरियस चार्ज नहीं है जितना कि किसी ड्रग माफिया पर लगाया जा सकता है. कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या रोल मॉडल हो. किसी पर जबरदस्ती करके उससे इकबाले जुर्म करवाना ये बात बिल्कुल उचित नहीं. कानून इसे नहीं मानता. महेंद्र की दोनों बहनें ऋतु एंड प्रिया और साथ में कार्डियोलॉजिस्ट प्रेम कुमार, ये ऑल थ्री हैव बीन बुक्ड फॉर चीटिंग, फॉर्जरी एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी अंडर द IPC एंड NDPS एक्ट. और वो इसलिए क्योंकि ये जो दवाइयां महेंद्र को दी गई थी दे कम इन द कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस कैटेगरी. योर ऑनर, उर्वशी ने कंप्लेन फाइल करके क्रिमिनल लॉ को मोशन किया. शायद ये जो गैर कानूनी दवाइयां और ड्रग्स महेंद्र को दी गई थी इन्हीं की वजह से उसने आप. योर ऑनर, इन दोनों बहनों को इसका जवाब ना कि सिर्फ पुलिस को देना होगा बल्कि भगवान को भी देना होगा. उर्वशी, अदालत आपको इस कंडीशन पर बेल दे रही है कि आप अदालत के ऑर्डर्स का पूरी तरह पालन करेंगी, हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपनी हाजिरी देंगी और जब भी इंक्वायरी के लिए आपकी जरूरत होगी तो आप उसका पालन करें. उर्वशी इज डायरेक्टेड टू बी रिलीज ऑन बेल ऑन बॉन्ड ऑफ 1 लाख रुपीज. उर्वशी को यह अदालत जमानत पर रिहा करती है 1 लाख के बॉन्ड पर. बांखेड़े साहब, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. आज मैं बहुत खुश हूँ आपकी जीत से. आज सत्य की जीत हुई है. थैंक यू सो मच सर. कंग्रेचुलेशंस. वकील साहब, इन 5 एजेंसियों के लिए तो मेरे बेटे की मौत एक हत्या या आत्महत्या का सिर्फ केस है, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी पूरी दुनिया था, मेरा वंश, मेरी जिंदगी, मेरी पहचान, मेरा सब कुछ लुट गया और किसी का कुछ नहीं गया. सिंह साहब, मैं क्या अब भी मैं कोई उम्मीद कर सकता हूँ? क्या मैं मान लूं कि कानून न्याय करेगा? क्या आप समझते हैं कि चमत्कार होगा? क्या मुझे कानून पर भरोसा करना चाहिए? नहीं सर, मैं आपको दर्द समझ सकता हूं.
लेकिन आप परेशान ना हो, हौसला रखें। उर्वशी को जांच एजेंसी की कस्टडी से रिहाई मिली है। कोर्ट से नहीं, कोर्ट की तमाम फाइलें अब भी खुली हैं। मैं लोअर कोर्ट से लेकर एपेक्स कोर्ट तक लड़ूंगा, लेकिन कानून से न्याय लेकर ही रहूंगा। देर से न्याय मिलना सिंह साहब, न्याय नहीं लगूंगा, पर क्या करें, हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है। Like the sinner, that justice delayed is justice denied. सीबीआई की तरफ से हम ये चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं। मैडम, सीबीआई ने जो ये चार्जशीट दो ट्रंक भर के बनाई है, इसे पढ़ने में तो कई हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए अदालत की अगली सुनवाई थर्ड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ रखते हैं। ओके, हाईली ऑब्लिज्ड। तेरे जाने से ऐसा हंगामा बरपा, सोचा ना था क्या से क्या हो गया। तेरे जाने से ऐसा हंगामा बरपा, सोचा ना था क्या से क्या हो गया। सूरज जो था वो समंदर में समा गया, सूरज जो था वो समंदर में समा गया। किया